So let's discuss about FSGS. FSGS means focal segmental glomerulosclerosis. Focal means less than 50% of glomerulus is involved. Segmental means a part of glomerular tuft is involved. Glomerulosclerosis means जो glomerulus की capillaries हैं उनमें thickening हो गई है. Okay? ये mainly adults में होता है. ये एक nephrotic syndrome है. तो nephrotic syndrome के क्या-क्या clinical features हैं? Hyperproteinuria, hypercoagulability, hyperlipidemia, lipiduria, edema and hypertension. Okay? So now we will discuss the etiology. इस डिजीज के causes क्या-क्या हैं? Primary cause is idiopathic, that means the cause is not known. But secondary causes बहुत सारे हैं. First, most common secondary causes reflux nephropathy. Okay? Next is HIV, renal agenesis, renal ablation. Okay? सिकल सेल डिजीज, इनहेरिटेड डिजीजेज ऑल्सो देयर. ओके, उसके बाद हमारे पास आईवी ड्रग अब्यूजर्स, हीरोइन ड्रग अब्यूजर्स, हीरोइन की जिसको एडिक्शन होती है. सो एचआईवी भी एक सेकेंडरी कॉज है, उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. एचआईवी की जो डिजीज है, जब वो किडनी से रिलेट होती है, तो इट इज नोन एज एचआईवी एसोसिएटेड नेफ्रोपैथी. उसको हम जानते हैं एचआईवी एएन के नाम से. सो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें जो भी स्क्लेरोस्ड पार्ट होता है, यानी जहाँ पर भी ब्लड वेसल थिकनिंग हो रखी होती है, वहाँ पर नेक्रोसिस हो जाती है. इसकी वजह से हमारे पास जो भी ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथी होती है, वहाँ पर कोलैप्स हो जाता है. वो कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से वी आर गेटिंग पुअर प्रोग्नोसिस. ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद विसरल एपिथीलियल सेल्स. ओके, अब हम किडनी बायोप्सी करते हैं, मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, तो हम लाइट माइक्रोस्कोपी में देखते हैं लेस देन 50% ऑफ ग्लोमेरुलस इज इन्वॉल्व्ड. जब हम इम्यूनोफ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी करते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं IgM और C3 के डिपॉजिट्स. ठीक है, जो भी स्क्लेरोज पार्ट होता है वहाँ पर. जब हम और एडवांस टेक्निक करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो वहाँ पर हमें देखते हैं पोडोसाइट्स. अब पोडोसाइट्स तो यहाँ का मेन करेक्टरिस्टिक्स फीचर है. अच्छा, हमने पोडोसाइट्स और कौन कौन से डिजीज में देखे हैं? MGN में देखा है, मिनिमल चेंज डिजीज में देखा है, डायबिटीज में भी देखेंगे, और अभी हमने FSGS में देख लिया है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट FSGS. थैंक यू.